हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल सीमी। दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग। आज ब्लॉग का टॉपिक है सीएम के हॉस्टल रिव्यू। तो चलो भाई, शुरू करते हमारा वीडियो। ये जो देख रहे हो ना, उस तरफ से हम आए हैं, उस तरफ से आए हैं, अब जाएंगे हॉस्टल की तरफ। वो जो उस तरफ जो भैया लोग जा रहे हैं ना, उस तरफ सीनियर का हॉस्टल है। चलते हैं अभी हॉस्टल की तरफ। देखो, फर्स्ट ईयर बॉयज हॉस्टल, इसको किसी ने मिटा दिया। ये है हमारा हॉस्टल। ये जो यहाँ पे जो गाय देख रहे हो ना, ये गाय कभी कभार आ जाते हैं बाहर से। कहाँ से आता है मुझे भी पता नहीं। सिक्योरिटी हर जगह रहता है, हर जगह मतलब जो मेन पॉइंट है वहाँ पे रहता है। ये हमारा पूरा होस्ट फर्स्ट ईयर हॉस्टल का बिल्डिंग है। इस तरह हमारा प्लेग्राउंड है, देख रहे हो ना। वो जो चिमनिया दिख रहा है ना, वो उस कोलाघाट में थर्मल पावर प्लांट है, उसका ही चिमनी दिख रहा है। यहाँ पे जो ग्राउंड है देख रहे हो ना, ये वाला है हमारा वॉलीबॉल का ग्राउंड। वॉलीबॉल खेला करते हैं यहाँ पे। वो जो सफ़ेद कलर का बिल्डिंग दिख रहा है ना, वो हमारा मेस है, वहाँ पे खाने के लिए जाते हैं। फिर से अच्छे से दिखाते हैं, ये हमारा प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड के पीछे जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, वही हमारा एकेडमिक बिल्डिंग है। एकेडमिक बिल्डिंग यहाँ से देखने से लग रहा है थोड़ा छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा है। यहाँ पे जो प्लेग्राउंड है, यहाँ पे हम फुटबॉल क्रिकेट सब कुछ खेल सकते हैं। हाँ, उससे हर ईयर जो टूर्नामेंट होता है, हर डिपार्टमेंट वाइज टूर्नामेंट। ये हमारे बास्केटबॉल प्लेग्राउंड है, यहाँ पे बास्केटबॉल खेला जाता है, इसका भी टूर्नामेंट होता है। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप इसमें नाम दे सकते हो, खेल सकते हो। देखो पूरा हॉस्टल कितना बड़ा है। यहाँ पे ना, यहाँ जो हॉस्टल पे है, हॉस्टल पे बस जो फर्स्ट फ्लोर छोड़ के सेकेंड और थर्ड फ्लोर में हम रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर में कोई नहीं रहता, फर्स्ट फ्लोर में कोई स्टूडेंट नहीं रहता। फर्स्ट फ्लोर में रहता है सिक्योरिटी का जो रेस्टिंग रूम है, वो फर्स्ट फ्लोर में है रेस्टिंग रूम। लेकिन सेकेंड और थर्ड में हम रहते हैं। सर, हर बिल्डिंग में सेम है, पूरे सेम स्ट्रक्चर का बिल्डिंग है पूरे बिल्डिंग में। अगर एक फ्लोर दिख लिया तो भाई सभी दिख लिया। चलो तो फिर थर्ड फ्लोर दिखाते हैं। मैं रहता हूँ एकदम टॉप फ्लोर में, तो टॉप ही दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ईयर बॉयज हॉस्टल, एंट्री कर रहे हैं। फर्स्ट दिखाऊंगा यहाँ पे जो वार्डन ऑफिस है वहाँ पे। यहाँ पे हमारा हॉस्टल सुपर या इंचार्ज जो सर रहता है वो बैठता है। यहाँ पे जो खाता दिख रहे हो ना, यहाँ पे हमें साइन करके बाहर जाना पड़ता है। बाहर से आते वक्त साइन करके जाना पड़ता है। चलो अभी थर्ड फ्लोर देखते हैं। गाइस, आ चुके हम टॉप फ्लोर पर। टॉप फ्लोर के कोने पर, एक कोने से स्टार्ट करेंगे वीडियो, दूसरे कोने पर स्टॉप करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देख लो भाई सामने का नज़ारा कैसा है। देखो भाई, बारिश हो रहा है। अभी स्टार्ट करते। इस कोने पर है पहले टॉयलेट। अब यहाँ पे देख रहे हो एक बेसिन है, बेसिन के सामने एक मिरर लगा हुआ है। मिरर से आप फेस देखते देखते बेसिन यूज कर सकते हो। एक दो जन रहने वाला रूम है। देखो अभी ये भी दो जन रहने वाला रूम है। अभी अंदर से देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। चलो एंट्री करते हैं। देखो भाई, यहाँ पे दो बेड है। दो बेड मतलब जब वायरस का टाइम चल रहा था ना, तब वायरस के टाइम से पहले यहाँ पे इस तरफ दो रहता था, उस तरफ दो रहता था, इसलिए चार का था। लेकिन वायरस के वक्त से इस तरफ एक रहता है, और जो पार्टीशन है मिडिल में उसके उस तरफ और एक रहता है। यहाँ पे एक अलमारी है, जो अभी तो एक जन रहता है इस तरफ, तो सब उसका ही है। एक अलमारी रहता है, दो टेबल रहता है इस तरफ, दो चेयर रहता है, फैन, लाइट सब कुछ है, स्विच बोर्ड है, यूज कर सकते हो सब कुछ जब भी मन चाहे। यहाँ पे वाईफाई भी है, वाईफाई को देखते हैं। चलो कैसे लैंड पोर्ट्स दिए हुए हैं। ये देखो लैंड पोर्ट्स ऐसे यूज करना है, ये उठा के लैंड पोर्ट्स आ गया। देखो ठीक से देखो,
प्लांट पॉट्स आ गया। चलो अब उस तरफ रूम पे चलते हैं। इस तरफ भी सेम है, दो बेड मिलेगा, दो टेबल मिलेगा, दो चेयर मिलेगा, ऐसे ही सेम लाइट्स फैन सब कुछ सेम है। अलमारी भी रहेगा, एक अलमारी। उसके बाद इस तरफ भी वाईफाई का लैंड पोर्ट है, लेकिन ये शायद कुछ देर पहले टूट गया, फिर से ठीक कर देंगे इसे। ये जो स्टाफ है हॉस्टल का, फिर से ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चलो बाहर चलते, आप देखते हैं पूरे हॉस्टल देखते हैं, बाहर का नज़ारा देखो भाई, बारिश हो रहा है, कैसा लग रहा है भाई, मस्त नज़ारा है। चलो अब देखते हैं और दूसरे रूम पे जाते हैं। ये भी दो जन रहने वाला का रूम है। इस तरफ एक सीढ़ी है, सीढ़ी से हम ऊपर जा सकते हैं, ऊपर जाने के लिए, लेकिन हम ऊपर नहीं जा सकते, ये ऑफिशियली अलाउ नहीं है। ये भी दो जन का रूम है। ये भी दो जन रहने वाला रूम है, ये भी दो ही रहता है। यहाँ पे फिर से एक बेसिन आ गया, डस्टबिन आ गया। यहाँ पे जो फिल्टर दिख रहे हो, इस फिल्टर से आप पानी भर सकते हो। यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे फिर से एक टॉयलेट आ गया। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी ना पहले सोचा था फिल्म देख के कि जब नहाने जाऊँगा या फिर टॉयलेट में जाऊँगा या फिर पानी भरने के लिए जाऊँगा तब भाई बहुत सारा लाइन लग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, सब हर वक्त। ये देखो चार लोग रहने वाला भाई, अभी से क्या कर रहा है। ठीक है चलो चलते हैं दूसरे रूम पर। देखो बाहर खेल रहे हैं ये लोग, बहुत बारिश में बहुत मजा आ रहा है। चलो अभी चलते हैं, एक दो जन वाला, एक चार जन वाला रूम दिखा देते हैं अंदर से अच्छे से, कैसा कैसा है इसमें अंदर। इसमें भी चार बेड है, चार टेबल है, चार चेयर रहेगा, दो अलमारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे चार जन रहता है क्योंकि ये रूम का साइज थोड़ा बड़ा है और इसके मिडिल में कोई पार्टीशन नहीं है। सेम सब कुछ है उस दो रूम पे जो था, एक रूम के अंदर जो पार्टीशन करके दो रूम में जो था, यहाँ पे भी ये जो एक सिंगल रूम है इसमें भी वही सेम चीज़ रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बाहर चलते हैं अभी दूसरे रूम पे। अरे भाई सुरेंद्र, हाँ भाई ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो ये एक चार जन रहने वाला रूम है, इसमें भी चार जन रहता है। चलो देख लेते हैं फिर से एक अंदर से, सेम सब कुछ सेम है सब में। फिर से चलो चलते जाए, हमको उस कोने पर जाना है, उस कोने पर जाके वीडियो से ख़त्म करना है। फिर से एक टॉयलेट आ गया। अरे भाई लेट के क्या कर रहा है भाई, अरे भाई बारिश का मजा ले रहा है। ओके भाई ठीक है, बेसिन आ गया, फिर से एक मिरर है उसके सामने, बहुत बढ़िया। ये फिर से चालू हो गया दो जन रहने वाला रूम, यहाँ पे है, यहाँ पे है, एक दो जन रहने वाला रूम है। अरे भाई प्रिंस बहुत बढ़िया भाई, ये जो 315 रूम दिख रहे हो ना, ये मेरा रूम है। ये फिर से सीढ़ी था, ये भी दो जन रहने वाला रूम है। अभी जो मिलेगा सभी दो जन, अरे क्योंकि अभी हॉस्टल में कम स्टूडेंट है, एंड सेमेस्टर फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, ऑनलाइन हो रहा है एग्ज़ाम, इसलिए लगभग 80-90% स्टूडेंट घर चला गया, घर से एग्ज़ाम देगा ऑनलाइन। हम कुछ ही रह गए यहाँ पे, यहाँ से एग्ज़ाम दे के फिर घर चला जाऊँगा। देखो भाई बाहर का नज़ारा देखो, वो जो दिख रहा है ना चिमनी, छः चिमनी, वो है यहाँ पे जो कोलाघाट थर्मल पावर प्लांट है, वो थर्मल पावर प्लांट का चिमनी है भाई, नज़ारा बहुत बढ़िया है। चलो देखते हैं टॉयलेट के अंदर से क्या क्या है। शावर है एक दो, यहाँ पे शावर थोड़ा कल टूट गया था, शावर तीन है, यहाँ पे तीन टॉयलेट्स है। ये देखो हर टॉयलेट्स के अंदर एक बेसिन रहता है, तो भाई देखो भाई चलो देखते हैं एक बार सामने से, मिडिल से देख लेते हैं कैसा नज़ारा है सामने का। यहाँ पे और एक कंपनी है जो थर्मल पावर छोड़ के, रैमको सीमेंट,
रैमको स्टेडियम का व्यू देखा तुम भाई रात में भाई, जो नज़ारा होता है ना यहाँ से, मैं बोलता हूँ कहीं से नहीं मिलेगा ऐसा नज़ारा, बस सीएम के फर्स्ट ईयर बॉयज़ हॉस्टल से ही मिलेगा। देखो भाई वो जो कंपनी दिख रहा है वही रैमको सीमेंट है, यहाँ पे बास्केटबॉल ग्राउंड, कॉलेज दिख रहा है, कॉलेज बिल्डिंग सब कुछ है भाई, प्लेग्राउंड यहाँ से सब कुछ दिखता है। सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटी दबा देना। तो बाय बाय गाइस, चलते हैं।